अब गाइस यहाँ पे आप कहोगे कि ये सर ये तो नॉर्मल वाला जो हमने स्टाइल क्रिएट करा था ये वही हो गया, राइट। जैसे हमने फोल्डर स्टाइल क्रिएट करा था वैसे हमने इनबॉक्स स्टाइल क्रिएट कर दिया। बट लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है, मुझे नहीं चाहिए कि गाइस कि जो मेरा इनबॉक्स स्टाइल है मैं दोबारा से उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखूँ जो हमारे फोल्डर स्टाइल में। अब मुझे क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी है, ओके, एंड सिंपल अपना एक एक्स्ट्रा इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल मैं लिख सकता हूँ पेरेंट, एंड जैसे ही मैंने पेरेंट लिखा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ गया है ऑप्शन, एंड मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फोल्डर स्टाइल। तो गाइस यहाँ पे मेरी जैसी मैंने पेरेंट लिखा, राइट, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जितने भी ये हमारे आइटम क्रिएटेड हैं किसमें, फोल्डर स्टाइल में, वो कौन से स्टाइल में आ चुके हैं, हमारे इनबॉक्स स्टाइल में आ चुके हैं। एंड अगर आपको ये देखना है कि ये कैसा है, अगर आप इस पे इनबॉक्स स्टाइल पे इस वक्त होवर करोगे, होवर करा हमने तो यहाँ पे इनबॉक्स स्टाइल पे आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट लिख के आ रहा है इनहेरिट्स फ्रॉम स्टाइल फोल्डर स्टाइल, राइट। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इनहेरिटेंस हमारा क्या हो गया है, पूरा हो गया है। अब यहाँ पे सिंपल मुझे क्या करना है, इसे हाईलाइट करना है हमारे इनबॉक्स वाले उसको। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल दे सकता हूँ, एंड यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या आ चुका है, टेक्स्ट स्टाइल आ चुका है, एंड टेक्स्ट स्टाइल में बेसिकली मैं क्या दे सकता हूँ, बोल्ड दे सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया गाइस, हमारा एक नया स्टाइल क्रिएट हो गया है। और हमने ये स्टाइल कैसे यूज करा है, इनहेरिटेंस यूज करके, स्टाइल इनहेरिटेंस यूज करके, राइट। अब क्या कर सकता हूँ मैं, सिंपल गाइस इसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, एंड इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि सिंपल यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी स्टाइल है, एक्टिविटी स्टाइल में सिंपल जो हमारा इनबॉक्स है, इनबॉक्स कहाँ पे है, ये हमारा इनबॉक्स आ चुका है, ये वाला टेक्स्ट भी हमारा किसका है, इनबॉक्स का है। एंड इसमें जो स्टाइल यूज कर रहा है वो कौन सा यूज कर रहा है, फोल्डर स्टाइल यूज कर रहा है। फोल्डर स्टाइल की जगह मैं यहाँ पे इनबॉक्स स्टाइल अगर इंप्लीमेंट कर दूं और इसे एक बार रन कर दूं तो देख लेते हैं कि गाइस कैसे चेंजेस हो रहे हैं, एंड हमारा जो स्टाइल है जो अभी हमने इनहेरिट करा है वो सही से इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर रन हो चुका है, सिंपल मैं स्टाइल्स एंड थीम्स ओपन करके देख लूंगा। एंड जैसा आप देख सकते हो गाइस, अब यहाँ पे जो हमारा इनबॉक्स है वो क्या हो गया, बोल्ड हो चुका है, एंड जो हमारे नॉर्मल और सारे टेक्स्ट व्यूज हैं उनसे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, राइट। एंड इसमें बेसिकली गाइस इस वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा है, ये बेसिकली क्यों सीखना जरूरी था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको एक ज्यादातर जो टेक्स्ट व्यू हमारे स्टाइल होता है एक चीज कॉमन होती है, राइट, बट कुछ टेक्स्ट व्यूज में कुछ चीजें क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, कुछ एडिशनल चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। लेकिन उसके लिए आप यह है एक कॉमन वाले को क्रिएट करके उसे खाली अगर आप पेरेंट की तरह यूज करोगे, इनहेरिटेंस की तरह यूज करोगे, तो वो क्या है आपके लिए बेनिफिशियल है, टाइम सेव होगा, एंड ज्यादा क्या रहता है, बेटर रहता है, राइट। अब गाइस यहाँ तक का क्या हो गया, हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, किसका, जो हमारा सिंपल मुझे करना स्टाइलिंग करनी थी। अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एंड कुछ और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। सो गाइस अब क्या डिस्कस कर लेते हैं, अपने स्क्रीन डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे हमारा जो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क है वो कैसे हमारी स्क्रीन डेंसिटी को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। क्योंकि गाइस यहाँ पे स्क्रीन डेंसिटी पे बात करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिव लेआउट पे वर्क करना है। उसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, जैसे स्क्रीन डेंसिटी हो गई, कैसे हम अपने अपने अलग टाइप के रिसोर्स फोल्डर्स क्रिएट करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, हमारा जो लेआउट है वो रिस्पॉन्सिव अपने आप क्या हो जाए, रीअरेंज हो जाए। इसका एक एग्जाम्पल गाइस हमने पुराने अपने क्लास में देखा था, जिसमें हमने क्या करा था, लैंडस्केप अलग से लेआउट क्या करा था, लैंडस्केप के लिए अलग से एक लेआउट क्रिएट करा था। तो वो क्या है, एक रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट करा था हमने, ताकि पोर्ट्रेट पे एक चीज दिखाए एंड लैंडस्केप पे अलग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस अब स्क्रीन डेंसिटी की। स्क्रीन डेंसिटी जो हमारा एंड्रॉइड फ्रेमवर्क है वो दो तरीके से कैलकुलेट करता है गाइस। एक तरीका होता है जो हमारे डिवाइस का साइज है, डिवाइस का साइज मतलब जितना भी हमारा स्क्रीन रेजोल्यूशन है, राइट, और जो डेंसिटी है वो कितने हमारे पिक्सल हैं, ओके, वो कैलकुलेट करता है। तो बेसिकली गाइस साइज का तो हमें नहीं कुछ करना है, साइज तो हमारा डिपेंड करता है वो किस हिसाब से रेंज होगा। डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पिक्सल्स होते हैं किसमें, फिजिकल एरिया में स्क्रीन के, ठीक है, एंड ये मेजर किसमें होते हैं, डॉट्स पर इंच में, जो हमें ऑलरेडी पता है डीपीआई में हमारा होता है क्या, डेंसिटी कैलकुलेट, राइट। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास पांच पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम टर्म करते हैं डेंसिटी बकेट्स। एंड जो डेंसिटी बकेट्स होती हैं हमारी डिवाइडेड होती हैं फाइव पार्ट्स में। फर्स्ट होती है हमारी एमडीपीआई। एमडीपीआई बेसिकली क्या होती है, जो हमारा लोअर रेजोल्यूशन है, मतलब मीडियम रेजोल्यूशन है, जिसमें क्या है 160 डीपीआई है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एचडीपीआई। एचडीपीआई क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है, हाई डेंसिटी बकेट होता है, एंड बेसिकली इसमें कितने डीपीआई होते हैं गाइस, हमारे 240 डीपीआई होते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सएचडीपीआई, जो क्या है, एक्स्ट्रा हाई है, जिसमें कितने होते हैं हमारे 320 डॉट्स पर इंच होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हाई, जिसमें 480 होते हैं। फिर
डबल एक्स 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 एच डी पी आई आता है एक्स्ट्रा 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 हाई, ठीक है, जिसमें कितने होते हैं 640 डी पी आई होते हैं। अब गाइस हम डेंसिटी बकेट यूज़ क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या करता है, जो लो रेजोल्यूशन डिवाइस होते हैं उस पर भी हमारी जो इमेज है अच्छे से प्रोसेस करवाते हैं। ओके, अब हमें ये क्या फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि अगर जो हमारा लो रेजोल्यूशन डिवाइस है उस पर भी जो इमेज है गाइस वो क्या लगे, सही लगे, पिक्सलेटेड ना लगे। तो इससे हमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर मेरी कोई इमेज है जो लो रेजोल्यूशन डिवाइस पे पहले शो हो रही है, अब जब मैंने वही एप्लीकेशन किसी और पे रन हुआ, राइट, अब वो लो रेजोल्यूशन इमेज तो लॉन्च हो नहीं रही है, अब क्या है हमारी थोड़ी सी हाई रेजोल्यूशन इमेज है क्योंकि जो डॉट्स पर इंच हैं वो क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं किसी और हाई रेजोल्यूशन डिवाइस में। तो यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट क्या होता है रिस्पॉन्सिव लेआउट का, जो हमारी इमेज है गाइस वो ब्लर आउट नहीं होती है एंड उसमें प्रोसेसिंग टाइम नहीं लगता किसको, हमारे एंड्रॉयड को। एंड इसीलिए हम क्या करते हैं हमेशा इसे एक फिक्स एटलीस्ट क्या देते हैं, एक मिनिमम रेफरेंस डीपी देते हैं, राइट। अब गाइस यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि जो हमारा एंड्रॉयड है, राइट, वो कोशिश करता है कि जितने भी हमारे अगर कोई इमेज है, राइट, तो डेंसिटी हमेशा चाहे वो जितनी स्पेस लो रेजोल्यूशन में ले रहा है उतनी ही स्पेस कितने मिले हाई रेजोल्यूशन में ले। अब गाइस जब आप इसको कंपेयर करोगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो फिजिकल डिवाइस हैं, उनके दोनों के क्या है पिक्सल्स अलग हैं लेकिन जो डीपीआई हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। कैसे, अब अगर मेरी यहाँ पे डेंसिटी बकेट लो, यहाँ पे जो मेरी डेंसिटी बकेट है गाइस चाहे वो मेरी एमडीपीआई में कम स्पेस ले रही हो, राइट, लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा 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 हाई डीपीआई रेजोल्यूशन के उसमें भी गाइस फोन में भी देखूंगा तो वो उतनी ही जगह स्पेस एक्वायर करेगी। इससे क्या होता है हमारी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है। बट इससे एक हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है एंड वो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब आप गाइस दो बकेट्स को कंपेयर करोगे, राइट, क्योंकि स्पेसिंग तो उतना ही ले रहा है, अब जब स्पेसिंग उतना ही ले रहा है तो क्योंकि दोनों में क्या है 48x48 ब्रैकेट का हमारा ये है, राइट, तो ये उतनी ही क्या लेगा हमारी स्पेस लेगा, लेकिन जब हमारे पिक्सल साइज होंगे तो पिक्सल किस में ज्यादा है, पिक्सल हमारे हैं 48x48 जिसमें हाई रेजोल्यूशन है। तो इस चीज का गाइस ध्यान रखना, चाहे स्पेसिंग सेम ले रहा हो, स्पेसिंग सेम है लेकिन जो हमारी डेंसिटी बकेट है रेजोल्यूशन इंक्रीज हो गए हैं, जो हमारे पिक्सल हैं वो बढ़ चुके हैं। अब अगर आप सेम इमेज को प्लेस करोगे सेम डिवाइस पे तो गाइस पिक्सल्स में फर्क आ जाएगा। इस पर भी डिस्कस करते हैं कि पिक्सल के फर्क आने में क्या हमें क्या है प्रॉब्लम है एंड इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सिंपल हमने क्या प्रोजेक्ट अपना कैसे बना देना, डीपी एंड पिक्सल बाय पिक्सल, राइट, तो जो भी हम इमेज प्लेस करते हैं वो हम पिक्सल बाय पिक्सल अरेंज ना करके हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि जो हमारी इमेज है उस पे दो चीजों का फोकस करते हैं कि स्पेसिंग हो और जो हमारी इमेज हो वो किस पे हो, डीपी में हो। अब गाइस ये चीज हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जब मैंने अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जब हमारी स्क्रीन साइज तो सेम रहा हर उसमें लेकिन उसके रेजोल्यूशन जो हमारे पिक्सल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली पिक्सल के हिसाब से अगर चलेंगे तो कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी एंड वो यहाँ पे सही से डिस्प्ले नहीं होगी, राइट, तो इसीलिए जो हमारी डेंसिटी बकेट्स होती हैं उसमें हम मेक श्योर क्या करते हैं कि हमारा यहाँ पे सेम इमेज शो हो। अब गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है हमारी यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा गाइस जो हमारी इमेजेस हैं, राइट, क्योंकि डिफरेंट हमारी डिफरेंट इमेजेस अलग अलग साइज की होंगी, अब यहाँ पे मुझे चाहिए कि सेम इमेज मुझे सेम साइज की दिखे, लेकिन अगर मैं एक ही इमेज प्लेस करूंगा, आप सोचो मैंने अगर एमडीपीआई में एक लो रेजोल्यूशन इमेज प्लेस कर दी, राइट, अब जब तक वो गाइस रेजोल्यूशन बढ़ते रहेंगे क्योंकि वहां पे उसके पास कोई एक्स्ट्रा पिक्सल तो है नहीं उस इमेज में क्योंकि रेजोल्यूशन सेम ही है, जो हमारा स्टार्टिंग रेजोल्यूशन था पिक्चर का वो तो सेम रहा लेकिन अब पिक्सल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं हमारे एच डी पी आई में, बढ़ गए एक्स्ट्रा हाई में और बढ़ गए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हाई में और बढ़ गए, एक्स्ट्रा 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 हाई में बिल्कुल वो किस पे चला गया, पीक लेवल पे चला गया। तो उससे क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट इमेज थी गाइस वो तो सही दिख रही है लेकिन जैसे जैसे हमारे राइट की तरफ हम शिफ्ट होते रहेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी। एंड बेसिकली इसमें एक कमी की और बात होती है गाइस कि अगर आप सेम इमेज पे वर्क करते हो तो आपके एंड्रॉइड फ्रेमवर्क को क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग लगती है। एंड एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग किस लॉजिक से लगती है गाइस, आप बेसिकली सोचो एक ही इमेज है, राइट, अब अगर रेजोल्यूशन उसके बार बार चेंज हो रहे हैं तो वो उसे क्या करेगा, बार बार प्रोसेस करके उसे स्ट्रेच करेगा, स्पेस फिल आउट करेगा, पिक्सलेट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी बेसिकली प्रोसेसिंग पावर वेस्ट हो रही है। तो इसका बेसिकली हमने सॉल्यूशन क्या करा कि अगर आप देखोगे गाइस तो हमारे पास कितने हमेशा क्या होते हैं, MDPI में अलग रेजोल्यूशन की इमेज पड़ी होती है, HDPI में अलग, XHDPI में अलग, तो हमारे पास हम हर रेजोल्यूशन के लिए एक अलग
साइज की इमेज क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट है हमें कि जब हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो देख, हमारा एंड्रॉयड फ्रेमवर्क देखता है कि अच्छा मुझे इस रेजोल्यूशन की इमेज की जरूरत है, तो वो सिंपल एक इमेज पे वर्क ना करके जिस रेजोल्यूशन की उसे इमेज वहां पे एडजस्ट हो रही है वो सिंपल उसे पिक करके वहां पर प्लेस कर देता है। तो उससे क्या बचती है गाइस, प्लेसिंग पावर बढ़ती है। एंड ये चीज गाइस आप किसमें देख सकते हो, जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करोगे इवन, तो अगर आप उसके रिसोर्स फोल्डर में गाइस आइकन में जाओगे तो आप यहाँ पे हमेशा देखना आपके पास जो हमारे पास स्टार्टिंग आइकन होते हैं वो हमेशा डिफरेंट साइजेस में होते हैं। पहले इमेज जो होगी 48x48 में होगी, फिर 72x72, फिर 96x96 में, फिर 144x144 में, एंड देन 192x192 के रेजोल्यूशन में होगी। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंट इमेजेस यूज करते हैं डिफरेंट साइजेस की, ताकि हम क्या कर सकें, उसे प्लेस कर सकें। अब यहाँ तक का तो क्या पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, हमारी इमेज डेंसिटी कैसे वर्क करती है, हम इसको कैसे रिजोल्व करते हैं।